डलहौसी हिमाचल प्रदेश के चांबा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये जगह का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी के नाम से रखा गया है। हाउ टू रीच डलहौसी, यहाँ पे जाने के तीन तरीके हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। बाय रोड आपको डायरेक्ट दिल्ली से वॉल्वो बुकिंग करनी रहती है, वो करीब 13 से 14 घंटे की जर्नी रहती है। बाय प्लेन यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है पठानकोट, जो अराउंड 75 किलोमीटर दूर है डलहौसी से। बाय ट्रेन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो करीब डलहौसी से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप दो तरीके से जा सकते हो, बाय कैब या बाय बस। जर्नी अराउंड 3 घंटे की रहती है। बेस्ट टाइम टू गो डलहौसी, समर में यहाँ पे टेम्परेचर 15-30 डिग्री सेल्सियस रहता है, विंटर में यहाँ पे टेम्परेचर 4-11 डिग्री सेल्सियस रहता है। मॉनसून में यहाँ पे हैवी रेनफॉल होते हैं और लैंडस्लाइड्स का भी खतरा रहता है, तो रिस्क बहुत है। सो लोग ज़्यादातर समर और विंटर में जाना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन डलहौसी। सबसे पहले हम बात करेंगे खजियार की। खजियार को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये जगह पूरी देवदार और पाइन के ट्रीज से कवर्ड है। यहाँ पे लोग पिकनिक, हॉर्स राइडिंग, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एक्टिविटीज़ करने आते हैं। अब हम बात करेंगे कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ होम टू द हिमालयन बियर। दिस सेंचुरी इज अमॉन्ग द बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे लोग जंगल सफारी, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत आते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रू नेचर लवर देन मस्ट विजिट दिस प्लेस। अब हम बात करेंगे डलहौसी के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में, डेनकुन पीक। डेनकुन पीक ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। ये जगह करीब 2755 मीटर हाइट पे है। यहाँ से हमें पीर पंजाल की रेंज दिखने को मिलती है। यहाँ से हमें माउंटेन्स के अमेजिंग लैंडस्केप देखने को भी मिल जाते हैं। तो हम बात करेंगे चमेरा लेक की। चमेरा लेक रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर हमें बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने को मिलती है। यहाँ पे दो फेमस चर्च भी है, पहला है सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च एंड सेकेंड है सेंट जॉन्स चर्च। बात करेंगे पंचपुला की। पंचपुला इज़ अ फेमस फॉर इट्स स्मॉल स्टनिंग वाटरफॉल्स। यहाँ पे हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर सरदार अजीत सिंह की समाधि भी है। शॉपिंग प्लेसेस इन डलहौसी, गांधी चौक। गांधी चौक में हमें कल्चरल, हैंडीक्राफ्ट, होममेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे सॉल्स, विंटर क्लोथ्स ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं परचेस करना। टिबेटियन मार्केट। टिबेटियन मार्केट में हमें बुद्धिस्ट और टिबेटियन कल्चरल के हिसाब से हैंडीक्राफ्ट, होममेड चीज़ें मिलती है। वेयर टू ईट इन डलहौसी। डलहौसी में वैसे तो बहुत सारी रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं कुछ आपको फेमस रेस्टोरेंट का नाम बताऊँगा जहाँ पर जाके आप ये फूड ट्राई कर सकते हो। पहली है टिफिन्स रेस्टोरेंट, क्वालिटी रेस्टोरेंट, ओल्ड शेरे पंजाब ढाबा, कैफे डलहौसी। क्वालिटी रेस्टोरेंट फेमस है उसके चाइनीज़ फूड प्लस डलहौसी की लोकल थाली की वजह से। कैफ़े डलहौसी फेमस है उसके फास्ट फूड की वजह से। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ा, थिक शेक, सॉफ्टी, बहुत ही वैरायटी का फूड मिलता है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं।